छत्तीसगढ़ में बड़ी साजिश नाकाम, सड़क पर मिले विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय किया, चार आतंकी गिरफ्तार। किन्नौर में भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 23, राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। कोविड की थर्ड वेव से निपटने की तैयारी में जुटी है सरकार, 6 राज्यों में लगेंगे 50% से ज्यादा आईसीयू। पंजाब में अब एंट्री के लिए फुल वैक्सीनेशन या नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट एक हफ्ते बाद बहाल, दूसरे कांग्रेस नेताओं की आईडी भी अनलॉक। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। भारत सरकार की योजना आईडीएस 2017 के तहत 23 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी प्रदान की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है, यह उसका ध्येय वाक्य है। भारत सरकार की योजना आईडीएस के तहत 23 औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी प्रदान की गई है। इसमें 725 लोगों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 23 इकाइयों का इसका लाभ मिला है और आने वाले समय में 60,000 लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा। इन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह कार्य किया गया है। देखिए, हम लोग चूँकि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा है, उनका ध्येय वाक्य है, उसको चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार की इंडस्ट्रियां जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सबको जो है आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना हम लोगों ने यहाँ पर भी की है। और यहाँ पर 8,000 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट से 60,000 करोड़ रुपये का सीधे उनको जो है वो होने वाला है, बिजनेस होने वाला है। और इसमें 725 लोगों ने पंजीकरण किया है और आज जो है 23 इकाइयों को इसका लाभ मिला है और आगे निकट भविष्य में औरों को भी मिलने वाला है। इससे जो है सीधे सीधे लगभग 60,000। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 15 अगस्त के मौके पर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। इसके लिए पुलिस लाइन ग्राउंड पर जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। इसके साथ ही मुख्य समारोह को परेड ग्राउंड से पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया गया है। आयोजन की तैयारी को लेकर अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं, वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट 18 अगस्त को लालकुआं का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 18 अगस्त को केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट का प्रदेश दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां इस वक्त की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में हमेशा राज्य के हित में काम किया गया है। कांग्रेस के राज्य में भ्रष्टाचार, घोटालों और बेरोजगारी को ही बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि आगामी 2022 के चुनाव में भाजपा दोबारा सरकार बनाएगी। करेंगे, ये तो वहाँ का उनकी परवरिश ही ऐसे उसमें होती है। हरीश रावत जी जब राहुल के हो गए तो हरीश रावत जी के होने में क्या बुराई, मेरा होने में क्या बुराई है? हो सकता है वो हो गया होगा, उससे भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना, वो जो कंपनी है वो देख रही है, उसका अपना जवाब वो देगी। और हरीश रावत जी तो अब उनके ही पार्टी के लोग कह रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, उनको आखिरी चुनाव बता करके मैदान में नहीं आना चाहिए। पिछली बार भी उन्होंने आखिरी चुनाव बताया था और आखिरी चुनाव तो अपने आप होगी, लगातार एक मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से चुनाव आ रहे हैं, तो अब उनको क्या आखिरी कहना है क्या नहीं। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। समस्त जनपदवासियों और
प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड महामारी के बीच में यह उत्साह हमें कम नहीं करना है, जोश पूरा बरकरार रखना चाहिए। अभी देश को एकजुट होकर कोविड महामारी से लड़ना है और इस वायरस को दूर भगाना है। इसके लिए हमें 2 गज की दूरी, मास्क का उपयोग करना और नियमित रूप से हाथ धोना और वैक्सीनेशन, जो एक अहम पार्ट है हमारा, कि हमें वैक्सीनेशन करवाकर देश से, जिस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को बाहर विदेश यहाँ से देश से भगाया था, उसी तरह से हमें इन चीज़ों को उपाय में लाकर कोरोना वायरस को देश से मुक्त करवाना है और तभी हम देश की आज़ादी को असली रूप में मना सकेंगे। धन्यवाद। इस वर्ष हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब एक भारतीय हैं और आज़ाद भारत का एक हिस्सा हैं। जैसे कि हमारे बड़े बड़े नेताओं ने हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाई थी और हमें भी अपने इस देश में एकता को, ईमानदारी को और इस देश की अखंडता को, भाईचारे को बनाए रखना है। और हमारे स्वतंत्रता दिवस का मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे हमें एक अच्छा बेहतर भविष्य बनाना है। प्रणाम साथियों, मैं राजेश बिस्त, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी 54 लोहागढ़ विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड से। आप सभी साथियों को सपरिवार 15 अगस्त यानी आजादी के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। साथ ही इस माह में पढ़ने वाले रक्षाबंधन के दिन की देवीदुरा के अंदर विश्व विख्यात माँ बाराई धाम के अंदर होने वाले भगवान मेले की, असाढ़ी कौतिक की व जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को व लोहागढ़ विधानसभा के सभी परिवारजनों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सुरेश राठौर, विधायक ज्वालापुर हरिद्वार, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। समस्त क्षेत्रवासियों को, ज्वालापुर विधानसभा वासियों को और उत्तराखंड वासियों को, देशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भाइयों से, बहनों से, बच्चों से प्रार्थना है कि जो कोरोना का टीका नहीं लगवा पाए हैं वो समय पर कोरोना का टीका लगा लें। कोरोना को बचाने का, भगाने का एकमात्र रास्ता हम सब लोग अपना अपना टीका लगवाने का काम करें। मैं पुनः फिर एक बार 15 अगस्त की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भारत माता की जय। किसान सेवा केंद्र की ओर से सभी देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना काल में गाइडलाइन का ध्यान रखें और मास्क जरूरी लगाकर रखें, 2 गज की दूरी भी आवश्यक है। मैं दिलीप कुमार मास्टर जी, आप सबको, अपने गांववासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से, अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर सभी व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखी रहे और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी है उसका आप पालन कीजिए और इस त्यौहार को बड़ी सुख शांति से मनाइए। मैं पुनः आपको इस 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे राजा जी टाइगर रिजर्व की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को, सभी भारत के नागरिकों को ढेर सारी अनेक अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और हम आशा करते हैं कि ये जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं इस बार 2021 में, देश का एक ऐतिहासिक भी है, क्योंकि कई बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाएंगे तो अनेक प्रकार की देश में तरक्की, प्रगति और ये सब चीज़ें होंगी। तो उसके लिए भी आज हम ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी मंगलवारी हार्दिक शुभकामनाएं।
इस मैं प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहूँगा सभी देश और प्रदेशवासी सैनिटाइजर मास्क और उचित दूरी का प्रयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शेरावाली महिला स्वयं सहायता समूह देवीधुरा चंपावत की तरफ से समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील शर्मा, वन क्षेत्राधिकारी देवीधुरा चंपावत, वन प्रभाग चंपावत, समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम वीर सपूतों को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी आहुति दी उनका सम्मान करें, उनको श्रद्धांजलि दें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह नरेंद्र नगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने 2017 में जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तीर्थ पुरोहित, किसान, नौजवान इस वक्त सड़कों पर हैं और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। भाजपा की नाकामियों की बहुत लंबी फेरिस्त है, जिसकी वजह से अब जनता उन पर भरोसा नहीं जताना चाहती। ₹2022 का इंतजार कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, तीर्थ पुरोहित सड़क पर है, भू कानून के लेकर के लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक विषय हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। इन विषयों को लेकर के आम जन के बीच में जाएंगे और कांग्रेस 2022 में सूबे के अंदर। ऋषिकेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं। सरकार ने स्वयं सहायता समूहों से टेक होम राशन का कार्य वापस लेने का निर्णय ले लिया है, जिसके बाद सरकार के फैसले के विरोध में यमकेश्वर से भाजपा विधायक ऋतु खंडूड़ी भी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के साथ आ गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस फैसले को वापस लेने के लिए कहा जाएगा। टेक होम राशन का कार्य स्वयं सहायता समूहों को ही मिलना चाहिए। आने वाले विधानसभा सत्र में भी यह बात रखी जाएगी। जनपद रुद्रप्रयाग के सुमाड़ी बिराड़ गांव जाखाल मोटरमार्ग निर्माण को लेकर इस वक्त स्थानीय लोगों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है। आपको बता दें कि संघर्ष समिति अध्यक्ष रमेश नौटियाल ने कहा कि वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सुमाड़ी बिराड़ गांव जाखाल मोटरमार्ग की घोषणा की थी। स्वीकृति के एक दशक बाद भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, जबकि लोग कई बार आंदोलन इस बात को लेकर कर चुके हैं। सड़क न होने की वजह से ग्रामीणों को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सबसे अधिक समस्या बीमार लोगों को होती है। कई बार बीमार व्यक्ति रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ग्रामीण जनता 4 किलोमीटर सदैव पैदल जाती है। हमारे बच्चे 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं और 4 किलोमीटर आते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर। जब 8 किलोमीटर हमारे बच्चे जाएंगे आएंगे तो वो क्या पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य चौपट है। कम से कम 10 वर्षों में 4-5 तो यहाँ सीएम जो है उत्तराखंड के बदलेगी और 10-12 जो है यहाँ जनपद रुद्रप्रयाग के जो है DM बदलेगी, मगर जो है वो जो है सड़क आज भी जो है टोकरी में जो दीमक जो सड़क की जो और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। श्री बी.बी. मर्तोलिया भूमि संरक्षण वन प्रभाग DFO कालसी की तरफ से समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों एवं विकास नगर पछुआ दून क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत ग्रांड क्लियर से अपनी नगर पंचायत की जनता को और देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं। और कोरोना जैसी जैसी देश के अंदर बीमारी चल रही है और प्रदेशवासियों को और नगर पंचायत वासियों को
इससे सावधान रहना है और हिफाजत रखनी है, और उसी के साथ साथ हमें अपने सभी त्यौहार मनाने हैं और स्वतंत्र दिवस पर भी इसका ख्याल रखें। मेरी सभी से यही गुजारिश है। सभी देशवासियों को बहुउद्देशीय साधन सहकारी समिति लिमिटेड औरंगाबाद हरिद्वार के सभापति अश्विनी कुमार और सचिव प्रवीण कुमार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बारू चौहान, अपर अभियंता विद्युत विभाग CUC विकास खंड थलीसैंण जनपद पौड़ी गढ़वाल की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र सिंह गोसाई, वन क्षेत्राधिकारी कनासर रेंज चक्राता वन प्रभाग की तरफ से समस्त चक्राता क्षेत्र और प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री ओम प्रकाश दा, वन क्षेत्राधिकारी वन सुरक्षा दल सहसपुर भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों एवं समस्त विकास नगर पछवा दून क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री सोहित बर्णवाल, अधिशासी अभियंता पेयजल निगम विकास नगर की तरफ से समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों एवं विकास नगर पछवा दून क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती सुमन शर्मा, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत अटाल होटल शौर्य विकास नगर की तरफ से समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों एवं समस्त विकास नगर चक्राता क्षेत्रवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चमोली जिले में 15 दिन से हुई भारी बारिश के चलते पीपल कोटी के लुदाऊ में पेयजल पाइपलाइन पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इसके अलावा बादल फटने से 200 मीटर सड़क भी बह गई थी, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली छात्रों को भी स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। लक्सर के भोगपुर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में तेंदुए की मौत हो गई। तेंदुए की मौत की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके अलावा वन विभाग की टीम तेंदुए की मौत की जांच में जुटी हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में एक तेंदुए का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि तेंदुए की मौत के बाद से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि फिलहाल वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं तेंदुए की मौत किन कारणों से हुई है, इसका भी लगातार पता लगाया जा रहा है। और खबरों के बीच फिलहाल वक्त है ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। श्री यशपाल सिंह राठौर, वन क्षेत्राधिकारी देवघर रेंज त्यूड़ी की तरफ से समस्त उत्तराखंड प्रदेशवासियों एवं त्यूड़ी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडी देवता महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जगदम्बा महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बाराही महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत की तरफ से समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवती महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत की तरफ से 75वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत जिला की तरफ से समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ संतोषी महिला स्वयं सहायता समूह देवी धुरा चंपावत की तरफ से समस्त चंपावत जिला एवं उत्तराखंड प्रदेशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बहादुराबाद इलाके में हो रहे अवैध खनन पर वन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए डंपरों को सीज कर दिया। ये डंपर बिना परमिशन के ओवरलोड होकर बहादुराबाद सिडकुल रोड पर फर्राटा भरते नजर आते हैं, जिससे आए दिन हादसे होने का डर बना रहता है। डंपरों को सीज किए जाने के बाद डंपर संचालकों में हड़कंप मच गया है। तो हरिद्वार में इस वक्त अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने डंपरों को सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आए दिन यहां पर बड़े हादसे होने का डर बना रहता था, जिसके बाद से वन विभाग के अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए डंपरों को सीज करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल वाहन चालकों में इस वक्त हड़कंप का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।